Hello everyone students, today I'm going to explain you all the 7th chapter of English Reader. Chapter name is The Secret of the Machines. Okay students, इस chapter में हम लोग मशीनों के बारे में अध्ययन करेंगे और यह जानेंगे कि how do they help us, What would have been our life without the machines? हम लोग ये जानेंगे कि मशीन किस तरह से हमारी मदद करते हैं और अगर मशीन नहीं होते हमारी लाइफ में तो क्या होता. यह सारी चीज़ें जानने के लिए इस पोएम को हम लोग पढ़ेंगे और लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे और समझेंगे. ओके बेटा, यह एक पर्सनिफाइड पोएम है, मीन्स कि इसमें मशीनों का मानवीकरण किया गया है. मानवीकरण मतलब कि इसमें मशीन स्वयं के बारे में बताएंगे, मशीन खुद इसमें अपने बारे में बताएंगे. ओके इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग यहाँ पे देखिए कुछ हार्ड वर्ड्स दिए गए हैं जो हाइलाइटेड है रेड कलर से, तो इनकी मीनिंग मैंने हिंदी में यहाँ पे लिख दी है. आई होप कि आप भी जो है जो भी इसमें हार्ड वर्ड है उनकी मीनिंग आप अपनी बुक में लिख लेंगे ताकि जब हम लोग इसको पढ़ेंगे तो लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन हमें अच्छे से समझ आए. ओके चलिए शुरू करते हैं. We were taken from the ore bed and the mine. We were melted in the furnace and the pit. देखिए इसमें मशीन स्वयं के बारे में बोल रहे हैं कि हमें अयस्क परत से और खानों से निकाला गया, हमें गड्ढों और भट्टियों में पिघलाया गया. We were cast and wrought and hammered to design. We were cut and filled and tooled and gauged to fit. और हमें काटा, तराशा, गढ़ा और पीटा गया. To design. Design मतलब एक अच्छे आकार में लाने के लिए हमें काटा, गढ़ा, पीटा और तरासा गया. वी वर कट एंड फाइल्ड एंड टूल्ड एंड गेट टू फिट. और हमें अच्छा बनाने के लिए मतलब एक सही रूप देने के लिए हमें काटा गया, साधा गया और फिर मापा गया. सम वाटर कोल एंड आयल इज ऑल वी आस्क एंड द थाउजेंड ऑफ इंच टू गिव अस प्ले. अब मशीन इसमें बोल रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, मतलब हमारी मांग क्या है, बस पानी, कोयला और तेल ही तो है बस हमारी मांग, मतलब हम बस यही तो चाहते हैं. एंड नाउ एंड अ थाउजेंड ऑफ इंच टू गिव अस प्ले. और थोड़ी सी जगह खेलने के लिए, मतलब कि इसमें मशीन यह बोलते हैं कि हमें आयस की परत और खानों से निकाला गया, हमें गड्ढों और भट्टियों में पिघलाया गया, हमें काटा, तराशा और पीटा गया एक अच्छी डिज़ाइन में लाने के लिए. हमें काटा, साधा और मापा गया एक सही रूप देने के लिए. और हमें सिर्फ पानी, कोयला और आयल ही तो है बस हमारी मांग और थोड़ी सी जगह हमें खेलने के लिए. मतलब सोच रहे हैं आपकी मशीन को क्या चाहिए होता है, बस कोयला, तेल और पानी ही तो बस लेते हैं मशीन, यही लगता है ना मशीन में.
और थोड़ी सी जगह, जगह मतलब कि मशीन जहाँ रहेंगे, मतलब जहाँ उनको लगाया जाएगा, तो वो उतना जगह तो लगेगा ही ना, रहेगा ना उनकी जरूरत, तो वही मशीन अपने बारे में ये चीज़ें बता रहे हैं। एंड नाउ इफ़ यू विल सेट अस टू आवर टास्क विल सर्व यू फोर एंड 20 hours अ डे। और अब यदि आप हमें काम पे लगा देंगे तो, मतलब मशीन बोल रहे हैं कि अगर हमें आप काम पे लगा दें तो विल सर्व यू, हम आपकी सेवा करेंगे 24 hours अ डे, मतलब कि हम आपका एक दिन में 24 घंटे काम करेंगे, समझ रहे हैं ना। मशीन का ये कहना है कि अगर आप हमें किसी काम पे लगा देंगे तो हम आपको 24 घंटे जो है एक दिन में सेवा देंगे। वी कैन पुल एंड हॉल एंड पुश एंड लिफ्ट एंड ड्राइव, हम खींच सकते हैं, घसीट सकते हैं, धकेल सकते हैं, उठा सकते हैं और चला सकते हैं। वी कैन प्रिंट एंड प्लाउ एंड व्यू एंड हीट एंड लाइट, हम छपाई कर सकते हैं, जुताई कर सकते हैं, बुनाई कर सकते हैं, गर्मी दे सकते हैं और उजाला दे सकते हैं। वी कैन रन रेस एंड स्विम एंड फ्लाई एंड डाइव, हम दौड़ सकते हैं, रेस लगा सकते हैं, तैर सकते हैं, उड़ सकते हैं और गोते लगा सकते हैं। वी कैन सी एंड हियर एंड काउंट एंड रीड एंड राइट, हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं, गिन सकते हैं, पढ़ और लिख सकते हैं। मतलब कि इस स्टेंजा में मशीन अपने बारे में बता रहे हैं कि अगर आप हमें किसी काम पे लगा देंगे तो हम आपका 24 घंटा जो है आपके लिए सेवा देंगे। और हम क्या कर सकते हैं, हम खींच सकते हैं, घसीट सकते हैं, धकेल सकते हैं, उठा और चला सकते हैं। मशीन का ये काम होता है ना, मशीन कोई भी चीज़ खींच सकती है, धकेल सकती है, घसीट सकती है और चला भी सकती है ना, चल भी सकती है ना, मशीन का ये काम है। मशीन देखिए छपाई भी कर सकती है, जुताई भी कर सकती है, बुनाई भी कर सकती है, गर्मी भी दे सकती है और उजाला भी दे सकती है। वी कैन रन रेस एंड स्विम एंड फ्लाई एंड डाइव, और मशीन ये भी बोल रहा है कि हम दौड़ भी सकते हैं, रेस भी लगा सकते हैं, गिन भी सकते हैं, रेस भी लगा सकते हैं, उड़ भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं और डाइव भी कर सकते हैं। और भी मशीन अपने बारे में बता रहे हैं कि हम देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। वुड यू कॉल अ फ्रेंड फ्रॉम हाफ अक्रॉस द वर्ल्ड इफ यू विल लेट अस हैव हिज नेम एंड टाउन एंड स्टेट यू शैल सी एंड हियर योर क्रैकलिंग क्वेश्चन हार्ट। अब देखिए, अब मशीन यहाँ पे बोल रहे हैं सब कि क्या आप मतलब कि दुनिया में इस छोर से उस छोर पे अपने फ्रेंड को बात कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अगर आप उसका नाम और उसका स्टेट और उसका टाउन अगर हमें बता दें तो। यू से सी एंड हियर योर क्रैकलिंग क्वेश्चन हर्ड, तो आपको आपके क्वेश्चन का जवाब तुरंत जो है धड़ाक से मिल जाएगा। अक्रॉस द आर्क ऑफ हीवन व्हाइल यू वेट हैज ही आंसर्ड डज ही नीड यू एट हिज साइड, मतलब कि आपके इंतज़ार करते ही आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि क्या उसने जवाब दिया, कि क्या
उसे आपकी ज़रूरत है। ओके मतलब आपको तुरंत जो है उसका आंसर मिल जाएगा। यू कैन स्टार्ट दिस वेरी इवनिंग इफ यू चूज, अगर आप चाहें ना तो ये आपको तुरंत हो जाएगा, मतलब कि शाम तक ही आप शुरू कर सकते हैं, मतलब शाम तक ही उसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। एंड टेक द वेस्टर्न ओशियन इन द स्ट्राइट ऑफ 70,000 हॉर्सेस एंड सम स्क्रूज। अब देखिए, अब ये भी कहा जा रहा है कि आप वेस्टर्न यूनियन का, वेस्टर्न ओशियन का की दूरी मात्र 70,000 घोड़ों और कुछ नालों में ही जो है तय कर सकते हैं, एक ही फलांग में ये दूरी तय कर सकते हैं। मतलब समझ में आया, जैसे वेस्टर्न ओशियन जो है ना एकदम जो ग्लोब होता है उसके दक्षिणी गोलार्ध पे सबसे नीचे होता है, तो यहाँ पे मशीन्स का कहना यह है कि अगर आप उस छोर पे हो, मतलब कि ग्लोब के उत्तरी छोर पे हो, तो दक्षिणी छोर की दूरी तय करने में आपको समय नहीं लगेगा। आप मतलब हमारी सहायता से, मतलब कि मशीनों की हेल्प से आप यह दूरी मात्र एक ही फलांग में तय कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना है, बाकी का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। थैंक यू।